Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Shubham. So this video might be interesting for some of you as I'm gonna record this particular video in Hindi as an experiment. So let's see how it goes and let me know your views in the comment section below, whether you liked it or not, and pros and cons for example. So let's start with the today's topic. तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स के बारे में, दैट इज़ मोंटेजिया एंड द क्लियाजी फ्रैक्चर. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज फ्रैक्चर्स अर्लियर इन ऑर्थोपेडिक्स. तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा ऑर्थोपेडिक्स में. सो मोंटेजिया और क्लियाजी के बारे में आज बात करते हैं और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो विल ट्राई टू डिस्कस. सो सबसे पहले मोंटेजिया या फिर ग्लेजी फ्रैक्चर डिस्कस करने से पहले एक नॉर्मल एक बार एनाटॉमी को देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हाथ के अंदर. क्योंकि मोंटेजिया और ग्लेजी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हाथ के फ्रैक्चर होते हैं, ये बेसिकली फोरआर्म के फ्रैक्चर होते हैं. तो लेट्स सी बिट ऑफ एनाटॉमी, ओके, एंड देन विल बी फोकसिंग ऑन द मोंटेजिया एंड द ग्लेजी फ्रैक्चर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सरे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि ये फोरआर्म का फ्रैक्चर है बेसिकली. एंड पर्पस क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक पर्टिकुलर बोन है जो मैं ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेडियल है और रेडियस है, और ये जो है ये पर्टिकुलर बोन ये अल्ना है. तो कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर, ये आर से रेडियस लिख रहा हूँ और ये यू से अल्ना हो गया, तो कैसे पता लगाएंगे? तो रेडियल का जो एंड होता है वो ब्रॉड होता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, रेडियल का जो एंड है, आई एम शोइंग इट विद अ येलो कलर, रेडियल का जो एंड है वो काफ़ी ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू अल्ना. तो इसीलिए ऐसे हम पहचान सकते हैं ईजिली कि कौन सा रेडियस है और कौन सा अल्ना है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको हम जो बोन होती है, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये काफ़ी लंबी है, ठीक है, ये बोन काफ़ी लंबी है, ठीक है. हालाँकि जो ह्यूमरस होती है इससे भी लंबी बोन होती है, बट अगर हम बात करें इसकी तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दो जो एंड पार्ट होते हैं बोन के, ठीक है, ये जो एंड पार्ट होते हैं बोन के, इसे हम बोलते हैं एपिफिसिस, ठीक है. जो एंड पार्ट बोन का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिफिसिस बोलते हैं. तो ई से लिख रहा हूँ, ई फॉर एपिफिसिस. और जो मिडल पार्ट होता है बोन का, फॉर एग्जांपल दिस मिडल पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज द डायफिसिस. ये एक वेरी बेसिक थिंग है एज फार एज बोन्स आर कंसर्न, ठीक है. और जो एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं मेटाफिसिस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम फॉर मेटाफिसिस, ठीक है. और बीच में ग्रोथ प्लेट भी होती है जो डिसाइड करती है लेंथ ऑफ द बोन. तो ये एक बेसिक से स्ट्रक्चर हो गए, एक बार हमने इसके बारे में बात कर ली. अब कुछ और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आप यूजुअली पढ़ते हो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, तो ये एक बार देख लेते हैं क्या होता है. तो अगर मैं जो कर्सर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एंड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये तो आपका रेडियस हो गया, ये आपका अल्ना हो गया, ठीक है, और ये आपके हो गए कार्पल्स, ठीक है. 8 कार्पल्स होते हैं हमारे एक हाथ में, ठीक है, तो दोनों हाथ में मिला के 16 कार्पल्स होते हैं. ईच हैंड कंटेन्स 8 कार्पल्स, है ना, और आपको ये पता है. तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये तो एपिफिसिस मैंने बता दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये कार्पल्स हो गया. ये अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं या मैं अल्ना के बारे में बात करूं, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिस्टल एंड. डिस्टल क्यों बोलेंगे? डिस्टल का क्या मतलब होता है? डिस्टल मतलब जो हमारी बॉडी से दूर जा रहा है ना, उसको हम डिस्टल बोलते हैं, ठीक है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, मतलब डी फॉर डिस्टेंस, ऐसे याद रख सकते हो. तो डिस्टल मतलब जो अवे फ्रॉम आवर बॉडी है, अवे फ्रॉम द बॉडी विल बी कॉल्ड एज अ डिस्टल. और प्रॉक्सिमल जो पास में होगा, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर जो पास में होगा, ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रॉक्सिमल, ऐसे आप याद रख सकते हो. तो ये वाला जो एंड है ये डिस्टल एंड है यहाँ पे, और ये वाला जो एंड होता है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है किसी भी बोन का. तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कार्पल जो है ऑब्वियसली अवे फ्रॉम योर हैंड है, तो इसको हम डिस्टल एंड बोल देते हैं, और ये वाला आपकी बॉडी के थोड़ा सा करीब है, ये एल्बो जॉइंट के पास है, तो इसे हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं एज फार एज रेडियस और अल्ना इज कंसर्न, ठीक है, ओके. अच्छा, अभी ये तो बात हो गई एक नॉर्मल ओरिएंटेशन के बारे में कि बोन्स का हमने पढ़ लिया कि एपिफिसिस, डायफिसिस, मेटाफिसिस कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड से हम क्या समझते हैं. अब हम बात कर सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर के बारे में, दैट इज़ द मोंटेजिया, और उसके बाद हम ग्लेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो
जब हमें नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में पता चल गया एक बार, अब हमारे लिए इजी हो जाता है मोंटेजिया फ्रैक्चर को डिस्कस करना। तो मोंटेजिया के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे रेडियोग्राफ देख रहे हो या फिर एक्सरे देख रहे हो इस पर्टिकुलर पेशेंट का, दिस अनफॉर्चुनेट पेशेंट हैड अ फ्रैक्चर, ठीक है। और ये जो फ्रैक्चर आप देख रहे हो इस टाइम पर, ये मोंटेजिया फ्रैक्चर है। तो क्वेश्चन इज कैसे पहचाने, ठीक है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको, ये इमेज आपको एग्जाम में आ गया, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, ऑप्शंस विल बी लाइक मोंटेजिया, गलियाजी और आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, आइसोलेटेड फ्रैक्चर वाला ना, तो कैसे पहचानेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो फ्रैक्चर है बेसिकली कहाँ कहाँ पे, तो पहले तो हमारा काम है क्या पहचानना, बोन्स पहचानना। हमें देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं मेनली उसने फोर आर्म का फ्रैक्चर हमें दिया हुआ है, और अब फोर आर्म में हमें पता है रेडियस और अल्ना बेसिकली आते हैं, तो रेडियस और अल्ना को फटाफट से पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला मैंने बताया था जिसका एंड ब्रॉड है, तो ये रेडियस हो गया और ये वाला जो है ये अल्ना हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो आप बहुत क्लियर है, रेडियस में तो कोई फ्रैक्चर ऐसा सच नहीं दिख रहा है, बट ऑब्वियसली अल्ना में तो यहाँ पर मुझे फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो अल्ना में फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर रेडियस और अल्ना का जो ओरिएंटेशन है कौन से एंड पे, इस वाले एंड पे, ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड में मैं क्या देख रहा हूँ कि रेडियस जो है, जो रेडियस का जो एंड है, जो रेडियस का जो हेड है वो डिसलोकेट हो रखा है। क्योंकि मैं जब नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेडियस का हेड जो है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना दोनों का हेड आराम से ओरिएंटेड है, ठीक है, आराम से अलाइंड हो रखा है। ये तो आपका ये वाला जो है ये एपी व्यू है, ये एपी व्यू है और ये लैटरल व्यू हो गया एक्सरे का। हम जब एक्सरे कराते हैं ना, हमें लिखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कौन सा एक्सरे करा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम हैंड का एक्सरे कराते हैं हमें लिखना होता है कि हम लैटरल व्यू चाहिए या हमें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू चाहिए। तो यूजुअली हम लिखते हैं दोनों, बोथ द व्यूज़ हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि कई बार हमें लैटरल व्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और कई बार हमें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से भी हम पता लगा सकते हैं। तो लैटरल व्यू भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कई बार सामने से फ्रैक्चर पता नहीं चलता और लैटरल व्यू में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो ये एपी व्यू और लैटरल व्यू है यहाँ पे। तो एपी व्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छे से अलाइन हो रखा है दोनों के हेड, रेडियल का भी और अल्नर का भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मोंटेजिया में क्या हो रहा है कि रेडियल का जो हेड है, रेडियस का जो हेड है वो डिसलोकेट हो रखा है। तो मोंटेजिया फ्रैक्चर एज सच है क्या, कैसे हम समझते हैं कि ये मोंटेजिया फ्रैक्चर है? तो मोंटेजिया फ्रैक्चर बहुत सिंपल है समझना। इसमें क्या होता है कि एक तो हमें डायफिसियल फ्रैक्चर देखने को मिलता है ऑफ प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना, ठीक है। ये क्या है, देखो मैंने ये वाला एंड तो मैंने डिस्टल बताया था, ये आपको अच्छे से याद होगा। ये वाला जो एंड है ये मैंने डिस्टल एंड बताया था, और ये वाला जो एंड है ये मैंने प्रॉक्सिमल एंड बताया था। पी से प्रॉक्सिमल लिख रहा हूँ, डी से डिस्टल लिख रहा हूँ। तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस बोन को डिवाइड कर दूँ, रेडियस या अल्ना बोन को, तो तीन पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैं इस तरीके से तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रॉक्सिमल वन थर्ड पार्ट है, प्रॉक्सिमल वन थर्ड पार्ट है, उसका डायफिसिस में फ्रैक्चर दिख रहा है। मैंने ये आपको बता चुका हूँ पहले कि एपिफिसिस कहाँ पे है, डायफिसिस कहाँ पे, मेटाफिसिस कहाँ पे, जो बीच वाला हिस्सा होता है बोन का उसे हम डायफिसिस बोलते हैं जनरली। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डायफिसियल फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना, दैट इज द बेसिक थिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेडियल हेड डिसलोकेशन, कौन सा हेड डिसलोकेट हो रहा है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बस लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखने में क्या लग रहा है हमें, बहुत ही सिंपल है मोंटेजिया फ्रैक्चर। मोंटेजिया फ्रैक्चर में कुछ नहीं है समझने के लिए, बस हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी इन द रेडियोग्राफ। तो डायफिसियल फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, सो दिस इज़ द डायफिसियल फ्रैक्चर। अब किस बोन का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में। तो डायफिसियल फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, ठीक है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना। अब एग्ज़ाम में कंफ्यूज़ करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज एग्जामिनर के लिए कंफ्यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि ये प्रॉक्सिमल एंड था या डिस्टल एंड था, ठीक है, वो ऑप्शन में डाल सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियल का फ्रैक्चर था, ये रेडियस फ्रैक्चर हुआ था या अल्ना फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं गलियाजी फ्रैक्चर मैं बताऊंगा। तो इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें कम टाइम में आंसर करना होता है, तो ये एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है। तो हमें बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि मोंटेजिया क्या है, ये अल्ना का फ्रैक्चर होता है, और इसमें हेड कौन सा डिसलोकेट हो रहा है, रेडियस का। फ्रैक्चर तो अल्ना का हो रहा है लेकिन हेड रेडियस का डिसलोकेट हो रहा है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच वी नीड टू आइडेंटिफाई इन द मोंटेजिया फ्रैक्चर। अब जब हमें ये समझ में आता है तो सेकेंड पॉइंट भी लिख लेते हैं कि रेडियल हेड डिसलोकेट हो रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, अल्ना का नहीं हो रहा, रेडियल हेड डिसलोकेट हो रहा है। तो रेडियल हेड डिसलोकेशन इज सीन इन दिस काइंड ऑफ फ्रैक्चर, दैट इज़ अ मोंटेजिया फ्रैक्चर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो जनरली ये जो फ्रैक्चर होता है ये किन किन एज ग्रुप में देखा जाता है? तो ये कॉमनली वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में आपको मिल सकता है ये फ्रैक्चर, बट कॉमनली ये देखा गया है कि ये कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, सो मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बेसिकली 5 से 10 साल के बच्चों में ये देखा जा सकता है। ठीक है, कौन से 5 से 10 साल के बच्चों में ये देखा जा सकता है? ठीक है, क्यों ऐसा देखा जा सकता है, 5 से 10 साल वालों में क्यों देखा जाता है, बड़ों में इतना कॉमनली नहीं देखा जाता, हालांकि देखा जाता है बट इतना कॉमनली नहीं होता। तो बुक्स में तो यही मेंशन है कि 5 to 10 ईयर्स, और जो हम केस देखते हैं बच्चों में ज़्यादा होता है ये फ्रैक्चर। तो अब बच्चों में क्यों होता है ये आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में, क्यों होता है, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है खेलने की, खेलने वगैरह की, तो खेल खेल में थोड़ा चोट लग सकता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर बच्चा गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस जो है, इस तरीके का फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉमन कॉज है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, कौन सी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार कॉजेज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या एटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो एटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द एटियोलॉजी एज़ फार एज़ एटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी एज़ फार एज़ दिस मोंटेजिया फ्रैक्चर इज कंसर्न। सो एटियोलॉजी बहुत ही सिंपल है, या तो क्योंकि ये अल्ना का फ्रैक्चर है, आपने देखा डायरेक्ट ब्लो टू द अल्ना कैन कॉज दिस फ्रैक्चर, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया या कोई भी इंजरी होती है ना, तो अल्ना अगर इंजर हो गई वहाँ पे अल्ना का फ्रैक्चर हो सकता है अल्ना में हिट होने से। सो डायरेक्ट ब्लो टू द अल्ना कैन कॉज दिस फ्रैक्चर, सो डायरेक्ट ब्लो टू द अल्ना, डायरेक्ट ब्लो टू द अल्ना राइट, दैट कैन कॉज दिस फ्रैक्चर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखो मोंटेजिया फ्रैक्चर तो हमें समझ में आ गया, मोंटेजिया फ्रैक्चर का क्राइटेरिया कब सेटिस्फाई होता है, मोंटेजिया हम तभी बोलते हैं जब अल्ना फ्रैक्चर हो गया उसके साथ में रेडियल हेड भी डिसलोकेट होना चाहिए। अगर रेडियल हेड डिसलोकेट नहीं है और सिर्फ अल्ना बोन का ही फ्रैक्चर है तो उसको मोंटेजिया नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना जो है उसमें सिर्फ अल्ना फ्रैक्चर होगा, लेकिन मोंटेजिया को बोलने के लिए हमें रेडियल हेड डिसलोकेशन भी देखना होगा एक्सरे के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एटियोलॉजी पे हम बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट ब्लो टू द अल्ना कैन कॉज दिस फ्रैक्चर। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वन पर्टिकुलर पोजीशन जिसमें बच्चा गिरता है या कोई बड़ा भी गिर जाए, तो दैट इज़ द पोजीशन कॉल्ड एज नेम इज़ फूज। फूज क्या है, फूज मतलब ये एक टर्म हमने बनाया हुआ है, ये एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म जो है ये है फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब ये फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड बहुत कॉमन ये पोजीशन हो सकती है गिरने की, इससे कई और फ्रैक्चर भी होते हैं हैंड के, जैसे कि कोलीज फ्रैक्चर इससे हो सकता है इस पोजीशन में गिरने से, स्कैफर्ड फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसके बारे में आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फूज फ्रैक्चर, ये जो फूज पोजीशन है, ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है अगर कोई भी इस पोजीशन में गिरता है। तो ये फूज पोजीशन क्या एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर ये आंटी यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये किस पोजीशन में गिर रही हैं, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ में बहुत स्लिपरी सरफेस हो जाता है, तो उसमें हम चल रहे हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि कोई भी गिर सकता है। ठीक है, तो अब जो है देख सकते हो आप ये किस पोजीशन में गिर रहे हैं, तो इसमें जो हैंड है यहाँ पे, जो हैंड है ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पोजीशन में गिरने से जो जो स्ट्रेस है, जो वजन है ह्यूमन बॉडी का, वो पूरा इस हाथ पे आ जाता है, तो बहुत हाई लाइकली चांसेस हो जाते हैं कि रेडियल हेड डिसलोकेट हो जाए और अल्ना का फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, तो इस ये पोजीशन में अगर बच्चा भी गिरता है फॉर एग्जांपल खेलते खेलते, या कोई बड़ा भी गिर रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि स्लिपरी सरफेस पे स्लिप होने से इस तरह की पोजीशन में गिर सकते हैं, तो ये एक कॉज हो सकता है फूज, जिसे हम बोलते हैं फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, बाहर की तरफ हाथ निकला हुआ है उस पर अगर गिर गए तो ये फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स वगैरह कैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है। प्रेजेंटेशन देखने में पता चल रहा है बहुत सिंपल सी प्रेजेंटेशन है इसकी, तो कुछ हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस जैसी इसमें सिम्टम्स है और प्रेजेंटेशन आते हैं। तो बिकॉज हमें एक बार पता है कि ये अल्ना फ्रैक्चर है और इसमें रेडियल हेड डिसलोकेट हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या रहेंगे। अब रेडियल हेड डिसलोकेट हो रहा है तो एल्बो जॉइंट अफेक्ट हो रहा है, तो एल्बो में पेन हो सकता है राइट, तो बहुत ही कॉमन सेंस के वजह से हम इसमें सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो एल्बो में पेन हो सकता है,
सेकेंड स्वेलिंग हो सकती है वहाँ पे, सो एल्बो पेन एंड स्वेलिंग कैन बी अप्रिशिएटेड ओवर देयर, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर आप इसको एग्जामिन करोगे उस एरिया को, तो अगर आप उसको टच भी करने की कोशिश करोगे हाथ को, फोर आर्म रीजन को, तो पेशेंट टच नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेंडरनेस इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आप फ्रैक्चर में क्या होता है, देखो फ्रैक्चर में स्वेलिंग हो जाती है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट अलाउ ही नहीं करता आपको एग्जामिन करने के लिए, या फिर वो पार्ट जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो पार्ट टच करने के लिए, राइट। तो टेंडरनेस रहेगी वहाँ पे, अगर एल्बो रीजन में मैं बात करूँ या फिर मैं फोर आर्म रीजन में बात करूँ, वहाँ पर टेंडरनेस हो सकती है, राइट। सो टेंडरनेस कैन बी सीन अलॉन्ग द एल्बो रीजन फॉर एग्जाम्पल, राइट, टेंडरनेस अलॉन्ग द एल्बो रीजन कैन बी सीन ओवर देयर। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा क्या मिल सकता है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एल्बो, क्योंकि रेडियल हेड डिसलोकेट हुआ है तो एल्बो की जो मूवमेंट की जो रेंज है, ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी टिपिकली अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिसलोकेशन की वजह से। और क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ पे एग्जामिन करोगे एल्बो वाला एरिया, तो आपको रेडियल हेड जो है वो अलग से पल्पेट हो सकता है, राइट, बिकॉज डिसलोकेट हो गया ना, तो रेडियल हेड पल्पेट हो सकता है, तो रेडियल हेड माइट बी पल्पेबल, सो रेडियल हेड मे बी पल्पेबल ओवर हियर, रेडियल हेड जो है वो पल्पेबल हो सकता है, सो रेडियल हेड मे बी पल्पेबल, ठीक है। सो आई होप बहुत ही सिंपल से इसके सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो इसको कि अगर इमरजेंसी में अगर ऐसा बच्चा आता है और पेरेंट्स बता रहे हैं कि इस तरीके से बच्चा गिर गया था और उसको सिमिलर सी प्रेजेंटेशन हो रही है, फोर आर्म बच्चा टच भी नहीं करने दे रहा है, बहुत रो रहा है, और एल्बो आप जब एग्जामिन कर रहे हो तो आपको डाउट आ रहा है कि ये रेडियल हेड मैं पल्पेट कर पा रहा हूँ इस बच्चे में एल्बो रीजन में, तो आप एक्सरे करवाओगे, राइट। तो रेडियोग्राफ आप इसमें, हम इसमें बहुत कॉमनली करवाते हैं, सो दैट हमें पोजीशन पता चल जाए, फ्रैक्चर का लोकेशन पता चल जाए, और जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आइसोलेटेड फ्रैक्चर हो सकता है या फिर ये मोंटेजिया हो सकता है या और भी दूसरे तरह के फ्रैक्चर हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, इसका रेडियोग्राफ करवाएंगे, दैट इज़ एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे हमें सबसे पहले दिमाग में आता है, और हम एक्सरे में क्या देखेंगे, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हम क्या देखेंगे, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, वो फ्रैक्चर हम देख सकते हैं, और रेडियल हेड डिसलोकेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है एक्सरे के अंदर, तो यस वी वर थिंकिंग राइट दैट इट वॉज मोंटेजिया, ठीक है। तो ये मोंटेजिया हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम एक्सरे के थ्रू इजीली पता लगा सकते हैं, इसके डिफरेंशियल्स डायग्नोसिस बन सकते हैं, जैसे कि हम गलियाजी फ्रैक्चर के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी देर में बात करेंगे, तो गलियाजी फ्रैक्चर एज अ डिफरेंशियल कैन बी थॉट ओवर देयर एज वेल। ये एक्सरे पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्सरे अब जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। चलिए हमने इसमें बात की, तो हमने इमेजिंग का अगर मैं बात करूँ तो हम रेडियोग्राफ करवा लेंगे वहाँ पे, यानी कि हम एक्सरे उसका पेशेंट का देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिंग के बारे में बात करूँ तो वी विल बी सीइंग रेडियोग्राफ और एक्सरे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें पता चल गया, अब हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट। तो ट्रीटमेंट देखो, ये जो मोंटेजिया और मैं इसके बाद गलियाजी भी डिस्कस करूँगा, तो मोंटेजिया और गलियाजी फ्रैक्चर दोनों के दोनों फ्रैक्चर ही, दीज आर द फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, मतलब यहाँ पे ऑपरेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेट करना ही होगा। देखो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कैन बी डन, बट जो बेस्ट चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो दोनों ही फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी हैं, यहाँ पे ऑपरेट करना होता है हमें, और ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन नीड्स टू बी डन इन दीज काइंड ऑफ केसेस। तो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें दो मैनेजमेंट मैं देख सकता हूँ, कैसे दो मैनेजमेंट देख सकता हूँ, एक तो हमारा एक हो गया कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लो। अच्छा, ये क्या है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लो। एक है आपका जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ये बेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, और यही करना चाहिए, तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो गया। तो कंजर्वेटिव में क्या है, इसका क्लोज रिडक्शन और क्या कर सकते हैं हम, कास्ट वगैरह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर मैं क्लोज रिडक्शन की बात करूँ, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करूँ, तो इट कैन बी क्लोज रिडक्शन अलॉन्ग विद दैट क्लोज रिडक्शन, ठीक है, और वहाँ पे कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिव मेथड है जो कि होना भी चाहिए, दैट इज़ द ओ आर आई एफ, वेरी कॉमनली ये आप पढ़ते हैं, ओरिफ पढ़ते हैं, ओरिफ क्या है, ओ आर आई एफ, दैट इज़ अ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। तो ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन कैन बी डन, ठीक है। तो ये किया जाता है इसमें, ये काइंड ऑफ, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस
इन दिस मोंटेजियर फ्रैक्चर। तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस यही देखना है। कन्फ्यूजिंग पॉइंट जो है वो यही है कि रेडियस का है या अल्ना का फ्रैक्चर है, हेड कौन सा डिसलोकेट हुआ है, रेडियस का हेड हुआ है क्या या फिर अल्ना का हेड हुआ है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी मोंटेजियर फ्रैक्चर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसके बाद हम जब हमें मोंटेजियर के बारे में पता चल गया तो थोड़ा सा गलियाजी फ्रैक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो गलियाजी में क्या है, अब मोंटेजियर हो गया तो गलियाजी भी आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो गलियाजी फ्रैक्चर क्या है, गलियाजी का स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक्सरे देख लेते हैं, रेडियोग्राफ देख लेते हैं, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो मोंटेजिया में जो हमने पढ़ा था कौन सा फ्रैक्चर पढ़ा था, हाँ दैट वाज अल्ना फ्रैक्चर, ठीक है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर। आपको याद होगा कि मैंने कौन सा एंड प्रॉक्सिमल बताया था, कौन सा डिस्टल बताया था, रिविज़न के लिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से। ये वाला जो एंड था हमारा, ये हमारा कौन सा एंड था, डिस्टल एंड था, और ऑब्वियसली इसमें दिखाया नहीं हुआ पूरा, बट यहाँ पर जो एंड पड़ेगा इसके बाद वाला वो प्रॉक्सिमल एंड पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या ट्रिक है गलियाजी में, वो तो हमने देख लिया कि मोंटेजिया में क्या हो रहा था, अब गलियाजी में क्या है कि यहाँ पे भी फ्रैक्चर हो रहा है, बट किसका फ्रैक्चर हो रहा है, रेडियस का हो रहा है। मोंटेजिया में अल्ना का फ्रैक्चर था, गलियाजी में मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेडियस की। कौन से रेडियस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर था मोंटेजिया में, यहाँ पर मैं डिस्टल वन थर्ड रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सरे देखते हैं, फोरआर्म का एक्सरे हमें दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले पहचान लो कौन सा रेडियस है कौन सा अल्ना है। तो ये इसका ब्रॉड एंड हमें दिख रहा है, तो ये रेडियस हो जाएगा और दूसरा वाला ऑब्वियसली अल्ना हो जाएगा। ये इसका हमें ब्रॉड एंड दिख रहा है, ये रेडियस हो जाएगा और दूसरा वाला ऑब्वियसली अल्ना हो जाएगा, बहुत ईजी है। कौन सा एंड है ये वाला, ये वाला डिस्टल एंड है और अपोजिट वाला प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, रेडियल है, रेडियल बोन फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो डायाफिशियल फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, क्या बोल रहा हूँ, डायाफिशियल फ्रैक्चर, वहाँ पे भी डायाफिसिस था, डायाफिसिस आपको पता है मिडिल पार्ट जो होता है वो डायाफिसिस होता है बोन का, तो डायाफिशियल फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस बोन, ठीक है। प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, ये डिस्टल के पास वाला है तो ये डिस्टल फ्रैक्चर हो गया। सो डिस्टल फ्रैक्चर आई मीन डायाफिशियल फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, डिस्टली दोनों काम डिस्टली हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे तो प्रॉक्सिमली हो रहे थे मोंटेजिया में, गलियाजी में दोनों ही हेड डिसलोकेशन भी और ये भी क्या बोलते हैं फ्रैक्चर भी, ये डिस्टल हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, डायाफिशियल फ्रैक्चर है डिस्टल रेडियस का गलियाजी में, और इसमें रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन होगा इसमें भी। कौन सा रेडियो अल्नर जॉइंट है यहाँ पे, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो रेडियस था, बट अल्ना कहाँ पे जा रहा है, अल्ना तो अलाइन नहीं है प्रॉपरली, ठीक है ना, अल्ना प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो भैया ये वाला जो व्यू है, ये हमारा कौन सा व्यू है, ये ए पी व्यू है, ठीक है, ए पी व्यू है, ठीक है। ए पी व्यू में अगर मैं हेड डिसलोकेशन की बात करूँ, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, देखो ये ए पी व्यू है, मुझे पता नहीं चल रहा हेड कितना डिसलोकेट हो गया। अब मैंने लेटरल व्यू लिया तो मुझे पता चल रहा है, लेटरल व्यू में मुझे पता चल रहा है कि ये इसमें तो जो अल्ना है काफ़ी अलग दिख रहा है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटरल व्यू इन द एक्सरे। तो इसीलिए कभी एक व्यू पे हम डिपेंड नहीं रहते, हमें दोनों व्यू ऑर्डर करना होता है एक्सरे के लिए, तो दोनों व्यू से हमें कंबाइंड पिक्चर मिलती है, ठीक है। तो ए पी व्यू में मुझे हेड का पता नहीं चल रहा, बट लेटरल में मुझे क्लियरली हेड का पता चल रहा है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटरल व्यू, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस व्यू एज वेल एज फार एज एक्सरेज आर कंसर्न। सो ए पी और लेटरल में मुझे पता चल गया, तो ए पी में मुझे फ्रैक्चर अच्छे से दिख रहा है, लैटरल में मुझे हेड डिसलोकेशन अच्छे से दिख रहा है। तो गलियाजी फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो गलियाजी फ्रैक्चर बहुत सिंपल है, गलियाजी फ्रैक्चर मोंटेजिया तो हमने देख के लिया था, गलियाजी फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द डायाफिशियल फ्रैक्चर, ठीक है, लिख लेते हैं डायाफिशियल फ्रैक्चर, डायाफिशियल फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, ठीक है, डिस्टल रेडियस। और सेकेंड जो हेड डिसलोकेट हो रहा है वो किसका हो रहा है, अल्ना का हो रहा है। अगर फ्रैक्चर एक बोन का हो रहा है, हेड दूसरी बोन का डिसलोकेट हो रहा है, ठीक है, और टू बी वेरी स्पेसिफिक रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पे डिसलोकेट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें क्या हो गया, डिस्टल, डिस्टल ही बात कर रहे हैं, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, डिस्टल रेडियो अल्नर, रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन, जॉइंट डिसलोकेशन, ठीक है, ओके, रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन। तो कभी कभी इसको लिख देते हैं डी आर यू जे, डी आर यू जे, ये क्या है भैया, डी आर यू जे है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन, ठीक है ना,
अभी ये जो फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये किस में देखने को मिलते हैं? तो ये ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों में देखने को मिलेंगे या बड़ों में, किसी भी एज ग्रुप में, ऐसा बायस नहीं है यहाँ पे, किसी भी एज ग्रुप में ये देखने को मिल सकते हैं। और अगेन रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न भैया सेम ही है, यहाँ पे भी फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जो मैंने फूज बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। एटियोलॉजी यहाँ पे क्या है, कॉज यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली ट्रॉमा अगर हो गया, डायरेक्ट ट्रॉमा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ब्लो टू द रेडियस, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट कैन कॉज दिस। तो ये बहुत कॉमन सेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्लो टू द रेडियस हो गया और पता चला कि फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे। अब यहाँ पे यही है, देखो मैंने मोन्टेजियम में बताया था कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि मोन्टेजिया ही है या फिर ये आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना बोन है। यहाँ पर भी यही कहानी है, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये पक्का ग्लेजी फ्रैक्चर ही है या फिर ये एक आइसोलेटेड फ्रैक्चर है रेडियस बोन का। कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल है, ग्लेजी तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे पता लगाना है, बट अगर ये आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस है तो उसमें हेड डिसलोकेट नहीं होगा। जो मैं अल्नर हेड की बात कर रहा था यहाँ पे, या मैं रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन की जो बात कर रहा हूँ, वो आइसोलेटेड हेड, वो आइसोलेटेड रेडियल इंजरी में नहीं दिखेगा, ठीक है ना? तो ऐसा में डिफरेंस करने भी आना चाहिए। तो डायरेक्ट ब्लो टू द रेडियस हो गया। सेकेंड जो इसमें है वो फूश, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं मोन्टेजिया के डिस्कशन में, कि वो भी एक यहाँ पे इंजरी कर सकता है। हो सकता है कि अल्ना फ्रैक्चर नहीं हुआ, रेडियल फ्रैक्चर हो जाए और अल्ना का डिसलोकेट हो जाए, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये तो एक्सरे देखने में पता चलेगा कि इस इंजरी से कौन सा हुआ है, ठीक है? दूसरे भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉलिस फ्रैक्चर भी हो सकता है, स्कैपुलर फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, जब हमें ये समझ में आ गया, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कभी कभार इसमें हमें इंजरीज देखने को मिल जाती हैं, नर्व इंजरीज देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें अगर मैं नर्व इंजरी की बात करूँ तो एंटीरियर इंटरोशियस नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है, AIN, दैट इज़ द एंटीरियर इंटरोशियस नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द ग्लेजी फ्रैक्चर। वेयर एज अगर मैं मोन्टेजिया की बात करूँ तो इसमें PIN इंजरी मिल सकती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व इंजरी, ठीक है? तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि मोन्टेजिया में कौन सी नर्व इंजरी मिल सकती है, दैट इज़ अ पिन इंजरी, दैट इज़ अ पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व इंजरी, ठीक है? ओके, तो चलो एक फैक्ट रिलेटेड बात हो गई। अब सिम्टम्स कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, बहुत सिंपल है ये भी पता लगाना, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि मोन्टेजिया में भी हमने बात की थी कि प्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल होने वाला है। सब देख सकते हो, कॉमन सेंस वाली है यहाँ पे भी सिचुएशन, कि पेन होगा, कहाँ पे पेन होगा, फोर आर्म रीजन में पेन होगा, टेंडरनेस होगा, और अब यहाँ पे डिस्टल जॉइंट इन्वॉल्व है। मोन्टेजिया में मैंने प्रॉक्सिमल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बताया था, तो एल्बो रीजन में टेंडरनेस हो सकती है, मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन कम हो सकता है, मोन्टेजिया में मैंने ऐसे बताया था। ग्लेजी में मैं बता रहा हूँ डिस्टल जॉइंट क्योंकि इन्वॉल्व है, तो डिस्टल जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो रिस्ट पेन हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिस्ट पेन हो सकता है, रिस्ट जॉइंट स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है? टेंडरनेस हो सकती है फोर आर्म रीजन में, ऑब्वियसली हो सकती है, टेंडरनेस इन फोर आर्म रीजन हो सकती है, तो ये तो पता ही चल रहा है, ठीक है? टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस कैन बी सीन इन द फोर आर्म रीजन, ठीक है? फिजिकली एग्जामिन आप कर रहे हो इस पेशेंट को, ठीक है? तो यहाँ पे हमें फ्रैक्चर देखना होता है कि ये अल्ना में ही है, कि ये थोड़ा सा आप देखने पता चल जाता है टेंडरनेस कौन से एरिया में आ रही है, रेडियस की साइड में आ रही है या अल्ना की साइड में आ रही है, ठीक है ना? तो ये पता चलता है। बाकी आप पेशेंट को अगर प्रोनेट या सुपिनेट करने के लिए अगर पेशेंट को बोलेंगे, सब पेशेंट कोऑपरेटिव होना जरूरी है इसमें, हालांकि जो है इतना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो है डिसलोकेशन रहता है, हो सकता है पेशेंट को और ज़्यादा फर्दर इंजरी हो सकती है। अच्छा ठीक है, अभी क्या करोगे इसको कंफर्म करने के लिए? ऑब्वियसली रेडियोग्राफ करेंगे, एक्सरे की हेल्प लेंगे यहाँ पे, और एक्सरे बताएगा हमें कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि डिस्टल जो है डिस्टल रेडियस इंजरी है, आई मीन डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है एंड डिस्टली रेडियल अल्नर जॉइंट इंस्टेबिलिटी है, तो फिर ये कौन सा हो गया, ग्लेजी हो गया, अदरवाइज कुछ और फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ये तो एक्सरे के ऊपर हमें डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? मोन्टेजिया और ग्लेजी ये दोनों आपस के दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ठीक है? तो एक्सरे ही हमें बता सकता है क्लियरली कि ये मोन्टेजिया है या फिर ग्लेजी है, ठीक है? तो हमने देख ही लिया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एज़ फार एज़ ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न, तो ट्रीटमेंट तो वही रहेगा यहाँ पे भी, तो दोनों के दोनों मैंने बताया था कि ये नेसेसिटी फ्रैक्चर है, मतलब फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी है, मतलब यहाँ पे ऑपरेट होना एडवाइजेबल होता है, तो यहाँ पे ऑपरेट होना इंपॉर्टेंट है पेशेंट का, तो यहाँ पे भी कंजर्वेटिव और यू नो
ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। कंजर्वेटिव में आप लोग क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ही तरह के मेथड है, ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी हम जैसे मोंटेजे में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे एक तो या तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करा लो, या फिर आप ऑपरेटिव मैनेजमेंट, दैट इज़ अ बेटर और बेस्ट यू कैन से ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो कंजर्वेटिव में सिंपल है, कंजर्वेटिव में क्लोज रिडक्शन एंड और कास्ट लगा देते हैं, क्लोज रिडक्शन करके, क्लोज रिडक्शन एंड कास्टिंग, जैसा मैंने मोंटेजिया में बताया था। और ऑपरेटिव में क्या है, ऑपरेटिव में हम ओपन रिडक्शन करते हैं, ठीक है, सर्जरी करेंगे, ओपन रिडक्शन करेंगे एंड इंटरनली फिक्स करेंगे, एंड इंटरनल फिक्सेशन। तो शॉर्ट में मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ORIF, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। AIN पाल्सी हो सकती है, AIN इंजरी हो सकती है, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व इंजरी हो सकती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो दैट वॉज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द मोंटेजिया एंड द ग्लियाजी। आई होप समझ में आया होगा, और आई होप ये जो हिंदी में रिकॉर्ड किया है ये काफ़ी सूटेबल रहा होगा, काफ़ी बेनिफिट रहा होगा। आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियोज़ इन हिंदी एज वेल। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर यू लाइक इट और नॉट, व्हाट वाज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वीडियो, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।